सीपीआईएम ने कांग्रेस पार्टी पर लगाए झूठे वादे करने के आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया पलटवार। बीजेपी पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। पीएम मोदी और बीजेपी से पूछे सात सवाल। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर सियासी घमासान। शाइना एमसी ने अपने ऊपर की गई टिप्पणी की पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। अरविंद सावंत की सफाई, कहा हम बाल ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, महिलाओं का करते हैं सम्मान। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र पर जारी है जंग। हलफनामे में गलत जानकारी देने पर बीजेपी हमलावर। नामांकन रद्द करने पर अड़ी बाबूलाल मरांडी ने कहा सोरेन इस बार हार के डर से हड़बड़ा गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्चों के पटाखा फोड़ने पर भिड़े दो समुदाय के लोग। दो घंटे तक हुआ हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को बनाया निशाना। बडगाम के मजामा इलाके में यूपी के दो प्रवासी मजदूरों को मारी गोली। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में शर्मनाक घटना। खून से लथपथ पति का इलाज करवाने अस्पताल पहुंची गर्भवती पत्नी से साफ करवाया बेड। इलाज के समय हो गई थी पति की मौत। यूपी के बरेली में जुआ खेलने से रोकने पर पुलिस पर हमला। आरोपियों ने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी, बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, बाकियों की तलाश जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से की मुलाकात। छठ के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं का जाना हाल। कहा त्योहारों के सीजन में रेल यात्रियों के लिए किए गए हैं बेहतर इंतजाम। 31 अक्टूबर की शाम तक करीब 51 लाख लोग 51 लाख पीपल हैव ट्रैवल्ड बाय द स्पेशल ट्रेन्स, यानी एक सब्सटेंशियल नंबर में लोगों को ये सुविधा मिली। कई दिनों की खामोशी के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना का अटैक। लड़ाकू विमानों से हिजबुल्ला के ठिकानों पर किए हमले। दक्षिण लेबनान में एनेबेल पर भी एयर स्ट्राइक। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी भारत की पहली पारी मुश्किल में। 86 रन पर गवाए 4 विकेट। पारी में अभी भी 149 रनों से पीछे।